हेलो एवरीवन एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जितने भी टेंसेस मैंने क्लियर करवाए हैं, आशा करता हूँ आपने उनको अच्छी तरीके से फॉलो किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है? वाक्यांश में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर आ ई ए प्लस गा गी गे। ठीक है ना, जैसे आ होगा, ई होगी या ए होगे। इस प्रकार से अगर कोई वाक्य अंत में आता है ना, तो उसमें अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एचवी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, एचवी आती है विल हैव और शैल हैव, और एमवी फिक्स है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो एमवी हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य है, कल सवेरे वहाँ अपने घर जा चुका होगा। कल सवेरे वहाँ अपने घर जा चुका होगा, तो इस वाक्य को अपन बनाएंगे कैसे? तो घर कौन जा चुका होगा, तो वहाँ जा चुका होगा, तो वाक्य कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ही और ही के साथ में आता है विल। ठीक है ना, आई वी एस आता तो ही के साथ में आएगा विल, ही विल हैव। ठीक है, अब जा चुका होगा तो अब अपन को लगानी है एम वी, तो इसमें आएगा गॉन। ठीक है ना, ही विल हैव गॉन टू हिज होम, टू हिज होम। अपने घर है तो हमने लगाया हिज होम। फिर है टुमारो इन द इवनिंग, सॉरी इन द मॉर्निंग, आर आर ओ डब्ल्यू, टुमारो इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग को यहाँ लिखते हैं एम ओ आर एन आई एन जी। ओके, He will have gone to his home tomorrow in the morning. Okay? अब number टू सेंटेंस है, उसमें लिखा है मैंने उस समय मैं अपने कपड़े धो चुका होऊंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो उस समय मैं अपने कपड़े धो चुका होऊंगा, तो इसको अपन बाद में लिख देंगे। यहाँ से लिखते हैं मैं अपने कपड़े धो चुका होऊंगा, तो आई के साथ में आया नहीं, मैं के साथ में अपन ने जोड़ा आई, आई के साथ में मैंने जोड़ा सेल। ठीक है, आई सेल हैव। ठीक है, अब आएगी एम वी, तो एम वी यानी कि धोना, धोना यानी कि वॉश्ड। ठीक है ना, तो आई शैल हैव वॉश्ड। अब क्या है कि अपने कपड़े, मतलब धोया क्या है मैंने, अपने कपड़े, तो आई के साथ में जो अपनी पॉजिटिव केस होगी वो होगी माई, माई क्लोथ्स। ठीक है ना, सी एल ओ टी एच एस, सॉरी माई क्लोथ्स। ठीक है ना, आई शैल हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। अब पीछे क्या बचा है, सिर्फ उस समय बचा है, तो उस समय की इंग्लिश होगी एट, फिर आएगा दैट, फिर आएगा टाइम। ठीक है ना, एट दैट टाइम, तो आई शैल हैव वॉश्ड माय क्लोथ एट दैट टाइम। ओके, सेंटेंस नंबर थर्ड क्या होगा, कल दोपहर को हम अपने गांव जा चुके होंगे। कल दोपहर को हम अपने गांव जा चुके होंगे, तो इसको अपन बाद में रखते हैं, हम अपने गांव जा चुके होंगे, तो हम की इंग्लिश होती है वी। ठीक है ना, चुका होंगे इसकी जगह चुके होंगे। ठीक है ना, कल दोपहर को हम अपने गांव जा चुके होंगे, तो वी के साथ में क्या आता है, सेल, आई वी एस होता है ना, तो वी के साथ में सेल, सेल के साथ में आएगी हैव, परफेक्ट के हिसाब से आई सेल हैव। अब जा चुके होंगे मतलब गॉन। ठीक है ना, कहाँ जा चुके होंगे, तो टू ओवर। ठीक है ना, विलेज। अब ओवर क्यों आया, क्योंकि वी की पॉजिटिव केस ओवर होगी, तो वी सेल हैव गॉन टू आवर विलेज। अब पीछे क्या बचा है, कल दोपहर को। ठीक है ना, टुमारो टुमारो, फिर है दोपहर को। ठीक है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, इन आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। ठीक है ना, टुमारो इन द आफ्टरनून, वी शैल हैव गॉन टू आवर विलेज टुमारो इन द आफ्टरनून। ओके, फिर है उसने खाना खा लिया होगा, लिया होगा, ली होगी, लिए होगे। ठीक है ना, तो इसमें भी अपन कौन सा टेंस लगाएंगे, यही लगाएंगे उसने है, तो ही के साथ में आएगा विल। ठीक है ना, ही या सी कोई भी आ सकता है, ही के साथ में आएगा विल, विल के साथ में आएगा हैव। खाना पीना लेना टेकन। ठीक है ना, He will have taken the food. ठीक है ना, He will have taken the food. उसने खाना खा लिया होगा,
तो ही विल हैव टेकन द फूड. ही के साथ में विल आएगा, विल के साथ में आया क्योंकि परफेक्ट की एच वी है. और एम वी, एम वी थर्ड ही आती है, एस एच एम और पीछे क्या बचा, ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, खाना यानी कि द फूड. ओके, फिर नंबर आता है फाइव नंबर, मेरे भाई ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया होगा. मेरे भाई ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया होगा, तो अपन को कर्ता तो सबसे पहले लिखना है ही, तो माई ब्रोदर, ठीक है ना, यहाँ तक तो होगा कर्ता ने कंप्लीट काम. अब दूसरा है कि इसके साथ में क्या, कौन सी एच वी लगाएंगे, तो एच वी कौन सी आएगी, विल हैव, ठीक है ना, तो माई ब्रोदर विल हैव. अब ऐसे सीख लिया होगा, सीख लेने का मतलब होता है लर्न, ठीक है ना, एल ई आर एन, लर्न, तो यहाँ होगा लर्नेड, तो माई ब्रदर विल हैव लर्नेड. अब क्या सीख लिया होगा, कंप्यूटर, ठीक है ना, लर्नेड तो चलाना, लर्नेड टू ऑपरेट द कंप्यूटर, लर्नेड टू ऑपरेट द कंप्यूटर, ठीक है. अब समझो, माई ब्रदर यानी कि मेरे भाई ने, विल हैव इसकी एच वी है, लर्नेड यानी सीख लिया है, ठीक है ना, तो इसमें सीखना मतलब लर्नेड. अब क्या सीखा है, तो कंप्यूटर चलाना, टू ऑपरेट द कंप्यूटर, ठीक है ना, तो माई ब्रदर विल हैव लर्नेड टू ऑपरेट द कंप्यूटर, नो डाउट. फिर आता है नंबर सिक्स नंबर सेंटेंस, कल दोपहर को वह खाना नहीं खा चुका होगा. कब, कल दोपहर को, ठीक है ना, टुमारो, टुमारो इन द आफ्टरनून. लेकिन हम वाक्य बनाएंगे यहाँ से, वह खाना नहीं खा चुका होगा, ठीक है ना, तो ही और ही के साथ में आएगा विल, विल के साथ में आएगा हैव, और खाना खाने को अपन क्या कहते हैं, ही विल हैव, ही विल, एक मिनट, इसमें नॉट बीच में जोड़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना, ये भूल गया मैं, ही विल नॉट हैव, अब खाना मतलब टेकन, ठीक है ना, ही विल नॉट हैव टेकन द फूड, अब है कल दोपहर को, ठीक है ना, देखो पूरा वाक्य सुनो, ही विल नॉट हैव टेकन द फूड, वह खाना नहीं खा चुका होगा. अब हमारे पास में समय बचा है कल दोपहर को, ठीक है ना, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था टुमारो, टुमारो इन द आफ्टरनून, ठीक है, ही विल नॉट हैव टेकन द फूड टुमारो इन द आफ्टरनून, नो डाउट. अब है हमारा सेंटेंस नंबर सातवा, सातवा वाक्य क्या कहता है, सातवा वाक्य है, क्या मीरा एक नीली शर्ट पहन चुकी होगी, क्या मीरा एक नीली शर्ट पहन चुकी होगी, तो मीरा के साथ में कौन सी एच वी आती है, सीधी सी बात है विल आएगी, ठीक है ना, तो विल, अब है मीरा, तो हमने लगा दिया मीरा, विल पहले क्यों है, क्योंकि वाक्य की स्टार्टिंग किससे हो रही, क्या से स्टार्ट हो रही, ठीक है ना, तो विल मीरा हैव, ठीक है, अब है पहनना, तो उतारने को तो मैंने टेक ऑफ कहा था, और पहनना मतलब पुट ऑन होता है, ठीक है ना, तो इसमें हमने लगा दिया पुट, में तीनों फॉर्म एक ही चलती है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया पुट ऑन, ठीक है ना, विल मीरा हैव पुट ऑन द ब्लू शर्ट, एक नीली शर्ट है, सॉरी अ ब्लू शर्ट, ठीक है ना, ओके, विल हैव, विल मीरा हैव पुट ऑन अ ब्लू शर्ट, क्या मीरा एक नीली शर्ट पहन चुकी होगी, विल मीरा हैव पुट ऑन अ ब्लू शर्ट, ओके. फिर है नेक्स्ट आठवां जो सेंटेंस है वो है, वे हमें एक कहानी सुना चुके होंगे. वे की इंग्लिश क्या होती है, तो दे, ये हमें फटाक से लिख देना चाहिए. दे के साथ में भी क्या आएगा, विल आएगा, और हैव तो फिक्स है ही. अब है हमें लिखनी है एम वी, तो एम वी कौन सी होगी, सुनाना, ठीक है ना, टॉल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म होगी टॉल्ड, ठीक है ना, दे विल हैव टॉल्ड, टॉल्ड अस यानी कि हमें अ स्टोरी, ओके, दे विल हैव टॉल्ड अस अ स्टोरी, ठीक है ना, वे हमें एक कहानी सुना चुके होंगे, ठीक है ना, ये समझ में आया, सुनो, दे यानी कि वे, अब विल हैव यानी कि एच वी तो आएगी, फिर एच वी के जस्ट बाद में एम वी आती है, एम वी के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट एक कहानी और हमें, इन दोनों में कौन सी है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन में तुरंत आया हुआ है, अस यानी कि हमें, ठीक है ना,
तो ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ से उतार लिया, पीछे के बचा ए कहानी, तो ये हमने यहाँ पर लास्ट में उतार दिया। ओके, नंबर 9 नंबर सेंटेंस हमें क्या कहता है, ध्यान से सुने। क्या मैं एक अच्छा डॉक्टर बन चुका होगा? तो सबसे पहले इसके साथ में क्या आएगा, तो सेल, ये सबसे पहले लिख दो, फिर एच वी के दो भाग कर दो, तो फिर यहाँ पर क्या आने वाला, तो हैव आने वाला, ठीक है ना। सेल आई हैव, अब है बिकम, यानी कि बनना, तो बिकम 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 सेम आएगी, तो हमने लिख दिया ये बिकम अ गुड डॉक्टर। ओके, क्या मैं अच्छा डॉक्टर बन चुका होगा, तो शैल आई हैव बिकम अ गुड डॉक्टर, इसमें किसी प्रकार के डाउट होने की बात आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। देखो शैल यानी कि क्या के हिसाब से, फिर इस एच वी के दो भाग होंगे, क्योंकि ये जो सेकंड एच वी है ना, ये केवल एम वी के लिए लगाई जाती है, तो एम वी यहाँ आ रही है, तो इसको अपन ने कर्ता को बीच में डाल दिया, ठीक है ना। तो शैल आई हैव बिकम 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 बिकम, अब क्या है, अ गुड डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर हमने इसमें लिख दिया, नो डाउट। फिर है सेंटेंस नंबर 10, 10th नंबर सेंटेंस हमें क्या कहता है, वो कह रहा है कि क्या मोहन अपने कमरे की सफाई कर चुका होगा? तो मोहन के साथ में क्या आता है, विल, सबसे पहले लिख दो विल, फिर लिख दो मोहन, इसमें तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, फिर डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखना है, हैव लिखना है, क्योंकि इसका बचा हुआ भाग हमें लिखना है, ठीक है ना। तो हमें लिख दिया, हमने लिख दिया है एच वी सब्जेक्ट, अब क्या लिखना है, एम वी, तो सफाई करने को क्या कहते हैं, क्लीन, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया क्लीन एड, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट में बचा क्या है, तो विल यानी कि क्या से हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, मोन यानी कि मोन हमने लिख दिया, ये एच वी हमने लिख दी, अब एम वी हमने लिख दी, सफाई कर चुका होगा, ठीक है ना। अब पीछे क्या बचा है कि अपने कमरे की, तो मोहन कौन है, ही यानी कि वह है, तो इसका अपना यानी कि हिज, तो ये हमने लिख दिया हिज रूम, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क्स, विल मोहन हैव क्लीनेड हिज रूम। ओके, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने नॉर्मली वेज में सारे सेंटेंसेस फॉर्मेट किए हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, इफ़ यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।